हे दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी खुश तो ऑफिशियल पे। जो मेरे प्यारे भाई बहन है उन सभी को यार मैं दिल की गहराई से ढेर सारा प्यार। वो जो मेरे से पढ़े हैं उन सभी को मेरा पढ़ना। थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा लो आप सभी ने कि आपका भाई आके किस वजह से और क्या कारण और कौन सी लोकेशन पे आ पहुंचा है। सुरेश साथ में, कैमरे पर नरेंद्र है, तीनों भाई साथ में। वजह आके आपकी बार बार की डिमांड आ रही थी यहाँ पे कि भैया आप जाइए वहाँ पे, उस चीज़ को मुक्ति दिलाइए या कुछ भी करिए, बस वो चीज़ वहाँ से शांत हो जानी चाहिए। अब सभी की मोस्ट डिमांड है, जो कि जो सभी की डिमांड थी वो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो चीज़ें कि यहाँ पे गुरु जी का जो शिष्य है वो आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्या आया हुआ है? गुरु जी का शिष्य है ना, वो आ रखा है यहाँ पे और पूजा पाठ कर रहा है। वो अभी वहीं पे है, पूजा पाठ चालू है। हम तीनों भाई साइड में है कि आप लोगों को भी कुछ वहाँ की क्लिप पे दिखा सके। गुरु जी ने बिल्कुल इंकार कर दिया कि अगर आप भलाई चाहते हो या किसी और को दिखाना चाहते हो। मैंने कहा भलाई चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने गुरु जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि गुरु जी कुछ मैं कुछ क्लिप है जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी फैमिली सबसे बड़ी, उनको दिखा सकूँ मैं। तो गुरु जी ने बिल्कुल हाँ करी है। गुरु जी ने कहा कि बिल्कुल दिखा सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल। तो आप लोगों की वजह से इतने रिस्क लिए। गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, जो गुरु जी शिष्य है वो बैठा हुआ है और वो पूजा पाठ कर रहा है उनको मुक्ति दिलाने के लिए या उनको आजाद करने के लिए यहाँ पे, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं, आप सभी डिमांड है वो पूरी होने वाली है। जो गुरुजी देखना चाहते हैं, जो गुरुजी शिष्य देखना चाहते हैं वो देख लेंगे, और जो यहाँ की मुक्ति होने वाली है वो भी देख सकते हो आप। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, डरना बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, गुरुजी का पाठ सुन गुरुजी का पाठ चल रहा है, उनको बिना भटकाए कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल उनके सामने बैठ जाना है भैया ना। अगर वो कुछ दिक्कत हो गई भाई तो लेने देना अपन चारों को हो सकता है। जो गुरु जी शिष्य है उन्होंने क्लियरली बोला, दोस्तों अगर आप लोगों ने कुछ हड़बड़ी करी, आप कुछ ऐसी चीज़ छेड़ने की कोशिश करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करी ना, तो वो चीज़ चारों को जान जा सकती है यहाँ पे। ऐसी चीज़ शिष्य गुरु जी का वो करने जा रहा है, वो कर रहा है अभी तक, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। क्लियर नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दिखा सकता, बट कोशिश करूँगा। क्या पता वो मना कर दे तो नहीं दिखा पाऊँगा आप सभी को, बट यहाँ तक दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से सामने दोस्तों अंदर बैठे हुए हैं गुरु जी के शिष्य, ठीक है, जो कि अभी ने पूजा पाठ कर रहे हैं। ये लोकेशन इसलिए चूज की थी मैंने, आप सभी कमेंट आ रहे थे सभी लोकेशन पे, भैया इस जगह पे गुरुजी को लेकर आइए, या कपल वाली लोकेशन है वो आप सभी के आ रहे थे कि भैया उसका पार्ट लेकर आइए वहाँ पे गुरुजी लेके जाइए। बट ये जो चीज़ है ना बहुत भयानक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत ही सताई हुई चीज़ है। इसलिए मैं इसी लोकेशन पर चुना है मैंने गुरुजी को, यहाँ पे जो गुरुजी शिष्य ना उनको चुना है, गुरुजी की रिक्वेस्ट करी। उसके बाद जाके कुछ जो शिष्य होता है ना उसके गुरुजी के बाद में जो आता है जिसका नंबर, वो शिष्य यहाँ पर आ रखा है। आप सभी का टाइम वेस्ट किए, सीधा चलता हूँ लोकेशन पे, दिखाता हूँ सभी क्या। पर हमने क्या गुरुजी से रिक्वेस्ट इसलिए की थी कि हमारे मतलब से किसी के भले हो तो वो सबसे बढ़िया है, इसलिए तो हमने रिक्वेस्ट गुरुजी से की थी कि भाई आप चलो। लेकिन उन्होंने बोला था ये कि मेरा वादा है, जो भी मेरा मतलब शिष्य है वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देगा, ये पक्की है, मेरी 100% गारंटी है। जो भी मेरा शिष्य है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, लेकिन आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है कि जिससे मेरे शिष्य को कोई तकलीफ हो या अनहोनी कोई घटना हो अलग से, अदरवाइज जो भी है। लेकिन अब आपको हम ऊपर लेके चल रहे हैं साथ में, हमने आपके लिए इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला, आज पहली बार हमारे हॉन्टेड कैटेगरी में हम गुरुजी से रिक्वेस्ट करके, उनसे हाथ जोड़ी करके, उनके पांव पकड़ के हम उनको लेके आए। चलो सबसे बड़ी चीज है किसी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे गुरुजी शिष्य बोले ना, हमारे लिए गुरुजी हो, गुरुजी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, गुरुजी जैसा बोलेंगे ना वैसे ही करेंगे भैया ना। हमारा कोई मतलब नहीं है दोस्तों, गुरु जी स्पेशली कहा आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो काम आपको जो सोचा हुआ वो क्लियर हो जाएगा। बट हमने बोला कि जो हमारी फैमिली है जिसके लिए हम कर रहे हैं ये चीज, उनको दिखाना जरूरी है। रिक्वेस्ट करिए आप सभी से ये दिखाने के लिए, क्योंकि आपको भी यकीन होना चाहिए कि हाँ वाकई में ही मतलब कि वो ऐसा होता है।
हाँ जोड़ दो भैया कभी 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 भी नोटिस नहीं हुआ था बच्चा तो बच्चा क्यों मांग रहा है वापिस आओ आओ
भाई नरेंद्र को खींच ले, भाई नरेंद्र को खींच ले, भाई प्रिंस नरेंद्र को खींच ले, मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी प्लीज वो पीछे पीछे, गुरुजी पीछे, गुरुजी पीछे। तेरे को बोला ना दिल में बैठ जा भाई, बैठ। अब वो तुझे क्या चाहिए बोल, अब तेरी मौत हो जाएगी बोल, बोल तेरी कोई इच्छा हो तो। चुप है, वो इच्छा नहीं है। चुप रात में ले साइलेंट, पीछा जा पीछा जा, तो पीछा जा रात में ले पीछा जा। तुम लोग आए मैंने क्या कैसे हरकत कर रही मेरे कभी दोस्तों, कभी भी मैंने घर में नहीं सोचा कभी कि सामने देखो वो किसे रूह को यहाँ पे भाई साहब यार इसका चेहरा देख, भाई भाई वो नरेंद्र को ना अपना काबू कर लिया प्लीज। अब इसका शरीर छोड़, अब इसका शरीर छोड़, छोड़ इसका शरीर। भाई 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 चलते हैं भाई, वो है ना नरेंद्र में घुस गई कसम से, बस नरेंद्र में घुस गई वो भाई, वो नरेंद्र में घुस गई, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र में घुस गई, मैं बोल रहा हूँ चलते हैं और गुरु जी को फोन लगाते हैं, उनके शीशे से नहीं होगी ये काबू में। भाई मेरे को तो ना अजीब सा डर लग रहा है, उनके शीशे में काबू में नहीं होगी। भाई को लेके चल, पर आज हम निकल रहे प्लीज है ना, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चला जाए यहाँ से, तेरे भाई को ले।
चल भाई। गुरुजी क्या करने वाले? क्या पता गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी कोई मंत्र कर रहे हैं भाई। चलते कसम से, बस भाई चलते, गुरुजी भी डांट रहे हैं अपन को भाई। बाकी एक काम तो चुप हो गया वहां, डीजे प्रिंस फोन गया, मैं बोल रहा हूँ इसकी हालत नहीं है। बाकी एक काम अपना चुप हो गया बस, कसम से बस मैं अंदर हो गया पूरा, अंदर हो गया वहां पे तो कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई को यहाँ बिठा ले, पानी वानी पिलाते लेते नंदर भाई यार। बैठ यहाँ बैठ, सुला दे इसको, सुला दे सुला दे, कुछ नहीं हुआ तेरे को। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है स्पेशली क्या यहाँ पे कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं बाद में आऊंगा। और मेरे को पता नहीं गुरुजी अंदर क्या करेंगे, जब उस कमरे में एंटर कर रहे थे दोनों भाई सुरेश और गुरुजी के साथ, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ भाई। हाँ, कुछ बाकी है ना अपना उसके अपने आंखों से देखा था उस अंदर जानते हो, अंदर जाते हुए बस। दोस्तों भाई के साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे को पता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोला, हमारा कुछ काम ही नहीं था यहाँ पे, तो भी आए हम यहाँ पे। आप सभी ने देखा कि जो पावर होती है रूह की, एक रूह की पावर होती है, वो भाई के साथ हुआ है। और ये तो अच्छा है गुरुजी ने बचा लिया इसको, कसम से बस लाख लाख शुक्र है गुरुजी। और अभी भी है ना मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो अपन थोड़ी सी उजाला करते हैं, चाहे शायद तक कोई दिख जाए, लेकिन ना ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा अपन को वहाँ पे, शायद पता नहीं गुरुजी भी कहाँ चले गए। भाई को लेकर निकलते हैं बस। आप सभी ने देख लिया दोस्तों, जो आप सबकी डिमांड थी वो शायद मैंने पूरी की है, लेकिन पूरी करने से पहले आप सभी इस चीज को देख लो, लेंथ देख सकते हो आप सभी। अब जो अपने मेन गुरुजी हैं ना साथ होते हुए भी ऐसा हो सकता है भाई, नहीं नहीं सब मान सकता कभी ऐसी चीजें, बट ऐसा हुआ है दोस्तों। निकलता हूँ, आप सभी की दुआएं इस भाई पे बरकरार रहे, ये ठीक हो जाए, सुबह घर पे लेके जाऊँ इसको, ये ठीक रहे बिल्कुल, फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहे, बस बस दुआएं लगनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। चल भाई नेंदर, नेंदर आजा भाई, इसको पानी पिलाते पहले। दोस्तों ये मत बोलना गुरुजी के लिए क्यों रुके, गुरुजी स्पेशली का आप निकलो यहाँ से, मैं बाद में आऊंगा रुक के। अब पता नहीं गुरुजी ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे, मेरे को पता नहीं। पर अपने ने कल या परसों जब टाइम मिलेगा ना गुरुजी के पास चलेंगे, मेन गुरुजी के पास जिनके पास गए थे, उनको पूछेंगे उनका एक बार हमें बताओ तो सर ये मुक्ति का क्या हुआ। मुक्ति का भाई पता लगे ना, क्लियर हो गया ना भाई, चल चल के आए ना अभी। हाँ ये तो अपने सामने हुआ था, वही उस कमरे में गई थी अंदर और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। इसको उठा के लेके चलते भाई अभी, बस इसको उठाते, चलो इसको उठाते।